राम राम सा खम्मांगनी जयपुर वासियों, हम पहुंचे हैं 1994 वाली पुरानी लक्ष्मी नमकीन भंडार, प्रसिद्ध पुरानी दुकान, हवा महल वाली रोड, बालाजी मंदिर के पास जो 1954 से ये दुकान है। लक्ष्मी नारायण जी ने 60 साल पहले एक हरी चटनी का आविष्कार किया था, जिस चटनी के नाम से लोग पुरानी लक्ष्मी नमकीन भंडार पर चाट वगैरह खाने आते हैं। वो लक्ष्मी नारायण जी द्वारा जो हरी चटनी 60 साल पहले आविष्कार किया था, उस चटनी के नाम से इनकी दुकान पर कस्टमर खींचे आ रहे हैं। वो चटनी भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन अगर उसका राज इनसे पूछना चाहोगे तो बिल्कुल नहीं बताएंगे आपको। चलिए पहले जो इनकी 60 साल पूर्व जयपुर की प्रसिद्ध चटनी का जो इनके दादाजी ने आविष्कार किया था, वही आपको पहले दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो चटनी है जो 60 साल पूर्व लक्ष्मी नारायण जी ने जयपुर में इसका आविष्कार किया था। जो चटनी यहाँ मिलेगी हरी चटनी, वो राजस्थान या जयपुर या पूरे राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगी। जो इनकी पुरानी शॉप है लक्ष्मी नमकीन भंडार वालों की, इनकी शॉप पर इस हरी चटनी का टेस्ट का स्वाद लेने के लिए ही लोगों की लाइन लगी रहती है सुबह से लेकर शाम तक। क्या कर रहे हो भैया? मसाला किस चीज का? प्याज कचौरी का। ये देखिए इस तरीके से तैयार होता है मसाला प्याज कचौरी का। और ये देखिए पेंटर कुछ बना रहा है। ये है लक्ष्मी नमकीन भंडार, दिनांक 21/9/2024, मूल्य सूची बना रहे हैं। नमस्कार भैया, आपके दादाजी ने लगभग 60 वर्ष पूर्व है जो जयपुर में जो ये हरी चटनी का आविष्कार किया था, इसकी स्वाद के लिए ये जो आपकी शॉप पर ग्राहकों की लाइन लगी है ना, ये इसी चटनी की विशेषता, इसका राज आप किसी को नहीं बताते हो। तो ये देखिए पालक है, और क्या क्या इसमें? पालक, रतालू, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक के बाकी मसाले डालते हैं। बाकी मसाले वो सीक्रेट है, वो नहीं बताओगे। लेकिन देखिए ये कितनी जाड़ी है, पानी डालकर इस तरीके की बन जाती है। ये इस तरीके के भी खिलाते हो क्या किसी को? सूखी वाली पैकिंग्स में कोई दिल्ली लेके जाए, बाहर लेके जाए, दिल्ली वाले सूखी चटनी लेके जाते हैं, सूखी चटनी लेके जाते हैं, कोई यहाँ पे खाता है तो पानी मिला के। लेकिन ये विशेषता है कि जो आपके दादाजी ने चटनी का 60 साल पहले आविष्कार किया था, पहले हम गीले नहीं बनाते थे, सूखी ही जाते थे, पुराने लोग सब सूखी लेके जाते थे। ये देखिए पानी डालकर इसको इस तरीके से तैयार किया जाता है। और जो भी कस्टमर आता है कचौरी, समोसा, मिर्ची बड़ा, पालक, मिर्ची की पकौड़ी वगैरह खाने, वो इनके यहाँ की स्वादिष्ट हरी चटनी बार बार लेता है। 4 बजे का समय दोपहर का, और देखिए ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, 1 मिनट का भी इनको टाइम नहीं है। ये देखिए भैया चटनी वगैरह पैक कर रहे हैं। और ये 21/9/2024 से लक्ष्मी नमकीन भंडार वालों ने कचौरी वगैरह की रेट भी कुछ बढ़ाई है, वो अभी पूरी लिस्ट लग जाती है उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। क्या बना रहे हो? समोसा तैयार हो रहा गर्मा गर्म, वो भी आपको दिखाएंगे। ये जयपुर की सबसे पुरानी लक्ष्मी नमकीन भंडार है, 1954 से। राम राम सा,
क्या नाम है आपका? संजय भाई। ये 1954 से ये दुकान है लक्ष्मी नमकीन भंडार वाली। मैं अहमदाबाद से आया हूँ। अहमदाबाद से आयो घूमने के लिए यहाँ आया। आगे एक आदमी ने बोला कि आप लक्ष्मी वाले की कचौरी खाओ। लक्ष्मी नाम से यहाँ 3-4 दुकान है। नहीं, लेकिन सबसे पुरानी दुकान ये 1954 से। 60 साल पहले इनके दादाजी लक्ष्मी नारायण जी ने ये हरी चटनी का जयपुर में आविष्कार किया था। वो चटनी इतनी प्रसिद्ध है, उस चटनी के स्वाद के लिए लोग खींचे चले जाते हैं। चटनी एक बार क्या, दो बार पी लेते हैं। बस यही कारण से हम खाने यहाँ पे आए, स्पेशल घूमने आए थे, लेकिन यहाँ पे रिक्शा करके खाने के लिए आए। कैसा लगा आपको टेस्ट वगैरह? बहुत बढ़िया टेस्ट, और हम ले भी जा रहे हैं। देखो ये देखिए ये। नमस्कार बहन जी, कैसी लगी लक्ष्मी नारायण जी वालों की, जो इनकी 60 साल पहले हरी चटनी का आविष्कार किया था, उसका जो टेस्ट है वो जयपुर में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए ये पालक और मिर्ची की पकौड़ियाँ हैं। ये मिर्ची बड़ा है, ब्रेड पकौड़ा है, गोंडा है, प्याज की कचौरी है, दाल की कचौरी है, समोसे और गर्मा गर्म समोसे भी उतरे, वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ यार, राम राम साह। आपका शुभ नाम? रवि कुमार अग्रवाल। रवि कुमार अग्रवाल जी, ये जो 1954 से लक्ष्मी नारायण जी की पुरानी चाट वगैरह की शॉप है, और इन्होंने 60 साल पहले हरी चटनी का आविष्कार किया था, जो जयपुर की प्रसिद्ध चटनी है, उसको खाने के लोग यहाँ चले आ रहे हैं। तो आपने आज कौन सी चीज़ इनकी टेस्ट किया, टेस्ट कैसा लगा? हमने दाल की कचौरी ली है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। और हरी चटनी कई बार ली? वो दोनों मिक्स करके ली। मिक्स के एक बार लिया, दो बार? दो बार। दो बार, मना नहीं करते? नहीं, बिल्कुल। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? नवीन जोशी। कैसा है इनकी यहाँ का टेस्ट वगैरह? कचौरी टेस्ट है, बचपन से खाते हुए आ रहे। बचपन से खाते आ रहे हो। हरी चटनी कितनी बार खाई? कहीं नहीं मिलती जयपुर में। जयपुर में कहीं नहीं मिलती। 60 साल पहले इनके दादाजी ने आविष्कार किया था हरी चटनी का, और उसी के टेस्ट के लिए लोग यहाँ चले आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार टेस्ट है, बहुत शानदार टेस्ट है। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? सलीम खान। सलीम खान, इनके यहाँ की हरी चटनी, लाल चटनी और समोसा टेस्ट कर रहे हो, इनकी हरी चटनी का टेस्ट और समोसे का टेस्ट आपको कैसा लग रहा है? राम राम साहब, क्या नाम है आपका? उन शर्मा जी, इनके यहाँ की कचौरी खा रहे हो और साथ में हरी चटनी। हरी चटनी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, जिनका आविष्कार इनके दादाजी ने 60 वर्ष पूर्व किया था। वैसी चटनी जयपुर में कहीं नहीं मिलेगी। ये देखिए इधर भी लाइन लगी हुई है ग्राहकों की। राम राम साहब, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हो, टेस्ट वगैरह कैसा है? पहली बार आए हो, पहले भी आए हो? हमेशा आते हो। राम राम साहब, क्या नाम है आपका? कैसा है इनके यहाँ का टेस्ट? बहुत अच्छा है, 35 साल का। 35 साल से आ रहे हो, वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, 60 साल पहले इनके दादाजी ने जो हरी चटनी का जयपुर में आविष्कार किया था, वो चटनी जयपुर में कहीं नहीं मिलती, उसका टेस्ट कैसा वो बता दीजिए। क्योंकि ज़्यादातर ग्राहक ने चटनी के चक्कर में आते हैं, आप एक बार लोगे, दो बार लोगे, मना नहीं करते, लेकिन जो गाड़ी वाली चटनी है ना, उसका सीक्रेट राज है, वो किसी को नहीं बताएंगे। हेलो, कैसे है भैया? और बताइए थोड़ा अपनी शॉप के नाश्ते वास्ते की तो छोड़ दीजिए, कोई खास बात नहीं, 4 बज रहे, नाश्ते का टाइम नहीं है। आप तो थोड़ा सा अपनी शॉप के बारे में, कैसे दादाजी ने शुरू की, क्या क्या आइटम है, कौन सी चटनी वगैरह प्रसिद्ध, उसके बाद थोड़ा सा भरत सिंह ब्लॉक, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए देखने वाले। मेरे दादाजी ने स्टार्ट की थी 1954 के करीब, स्टार्ट की थी। गोमछा लगा के यहाँ पे बैठते थे कचौड़ी पकौड़ी बेचने के लिए। उसके बाद में दुकानें स्टार्ट करी थी, फिर ये दुकानें लेके स्टार्ट करी थी। सबसे पहले कोफ्ते ज़्यादा फेमस थे, ये सूखी चटनी के साथ में कोफ्ते बनते थे बड़े बड़े। तो मेरे ताऊजी वगैरह बताते हैं कि 1 रुपए के 4 कोफ्ते बेचे, 1 रुपए के 4 कोफ्ते बेचते थे आपके दादाजी। हम कल से रेट बढ़ा देंगे तो ये 2500 रुपए का एक कोफ्ता बेचेंगे। पकौड़ी फेमस है पालक मिर्ची की, हमारी मिर्ची बड़ा भी अच्छा चलता है। सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो प्याज की कचौरी, और सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ के लिए ग्राहक आपके पास खींचे आते हैं, ग्राहक हमारे पास में सिर्फ हरी चटनी खाने, दादाजी ने जो आविष्कार किया था हरी चटनी, उसके लिए ग्राहक खींचे आते हैं। उससे ज़्यादा एक कारण और है
भैया आप लोगों का व्यवहार और आप लोगों का प्यार, उसकी वजह से भी ग्राहक आपकी शॉप पर आ रहे हैं। देखो ये देखिए गर्मा गर्म समोसे तैयार हो रहे हैं। एक बार में कितने समोसे तैयार हो रहे हैं? 100 समोसे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना। 1954 से पुरानी लक्ष्मी नमकीन भंडार वालों की चाट वगैरह और हरी चटनी का टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताना। यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, जिससे हमें मोटिवेट मिले हम आपके लिए और नए नए वीडियो बना के डालें। जय श्री राम। खमांगनी सभी जयपुर वासियों को, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में।